एक बहरहम बेटी ने पैसों के लिए अपनी ही मां का सिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पति के साथ मिलकर मां के शव को पॉलीथिन में लपेटकर जंगल में फेंक दिया। पूरा मामला बैतूल जिले के पाताखेड़ा का है। हैरानी की बात तो यह है कि बेटी ने मां की हत्या करने के बाद मामले को छुपाने के लिए कहा कि मां नर्मदा स्नान के दौरान बह गई। मामला पुलिस में जाने के बाद जब कड़ी पूछताछ की गई तो पूरा सच सामने आ गया। मृतक महिला भागीरथी झड़बड़े जो कि 60 वर्षीय ने गांव की जमीन बेची थी, जिससे आय करीब 5,82,000 रुपए उसने बेटी उषा के खाते में जमा करवा दिए थे। चूंकि बुजुर्ग महिला की दो बेटियां हैं, उन्होंने कहा कि ये पैसा दोनों बेटियों में बराबर बांट दूंगी। ये बात उषा को समझ नहीं आई। उसने कहा कि जब माँ उसके साथ रह रही है तो वह आधा पैसा बड़ी बेटी रेखा को क्यों देगी। इसी बात पर आक्रोशित उसने मां के सिर पर बड़ा सा पत्थर दे मारा, जिसके बाद बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। इसके बाद बेटी ने पति यानी बुजुर्ग महिला के दामाद के साथ मिलकर शव को पॉलीथिन में लपेटा और उसे जंगल में ले जाकर खाई जैसी जगह पर फेंक दिया।